आपका पहला सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी सोता नहीं है? आपका ऑप्शन है ए चींटी, बी कछुआ, सी सुअर, डी मछली। आपका सही जवाब होगा ए चींटी। आपका दूसरा सवाल है, अकबर की कितनी पत्नियां थी? आपका ऑप्शन है ए एक पत्नी, बी दो पत्नी, सी तीन पत्नी, डी पांच पत्नी। आपका सही जवाब होगा सी तीन पत्नी। आपका तीसरा सवाल है, कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है? आपका ऑप्शन है ए नीम का, बी आम का, सी बरगद का, डी पीपल का। आपका सही जवाब होगा डी पीपल का पेड़। आपका चौथा सवाल है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी सऊदी अरब। आपका सही जवाब होगा ए जापान देश। आपका पांचवा सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी नर्मदा, सी सतलज, डी यमुना। आपका सही जवाब होगा डी यमुना नदी। डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका छठवां सवाल है, कौन से देश में सूरज आधी रात को भी चमकता है? आपका ऑप्शन है ए नार्वे में, बी जापान में, सी मेक्सिको में, डी कोलंबिया में। आपका सही जवाब होगा ए नार्वे देश में। आपका सातवां सवाल है, कौन सा जानवर है जो भूख लगने पर अपना शरीर भी खा सकता है? ए लोमड़ी, बी सियार, सी भेड़िया, डी चूहा। आपका सही जवाब होगा डी चूहा। आपका आठवां सवाल है, किस देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ एक साल का होता है? आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी साउथ अफ्रीका, सी स्विट्जरलैंड, डी मलेशिया। आपका सही जवाब होगा सी स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का। आपका नौवां सवाल है, कौन सा जीव है जिसका सिर कट जाने के बाद भी कई हफ्तों तक जिंदा रहता है? आपका ऑप्शन है ए कॉकरोच, बी मकड़ी, सी डॉल्फिन, डी खरगोश। आपका सही जवाब होगा ए कॉकरोच। आपका दसवां सवाल है, किस देश में कुत्ता पालना कानूनी जुर्म है? आपका ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी सिंगापुर, सी आयरलैंड, डी आइसलैंड। आपका सही जवाब होगा डी आइसलैंड देश में। आपका अगला सवाल है, दुनिया में कितने प्रतिशत लोग बाएं हाथ का उपयोग करते हैं? आपका ऑप्शन है ए 8%, बी 11%, सी 15%, डी 18%। आपका सही जवाब होगा बी 11% लोग। आपका अगला सवाल है,
ताजमहल की ऊंचाई कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 70 मीटर, बी 73 मीटर, सी 80 मीटर, डी 85 मीटर। आपका सही जवाब होगा बी 73 मीटर। डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए कमल, बी रेफ्लिसिया, सी कैक्टस, डी रजनीगंधा। आपका सही जवाब होगा बी रेफ्लिसिया का फूल। आपका अगला सवाल है, भारत की खोज किसने की? आपका ऑप्शन है ए वास्को डी गामा, बी फाहियान, सी अल्बेरोनी, डी इब्न बतूता। आपका सही जवाब होगा ए वास्को डी गामा। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1869, बी 1870, सी 1871, डी 1872। आपका सही जवाब होगा ए 1869 में। आपका अगला सवाल है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए ऊंट, बी शेर, सी सियार, डी घोड़ा। आपका सही जवाब होगा ए ऊंट। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आपका ऑप्शन है ए कमल, बी गुलाब, सी चमेली, डी गेंदा। आपका सही जवाब होगा ए कमल। आपका अगला सवाल है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1948। आपका सही जवाब होगा ए 1945 में। आपका अगला सवाल है, मूली किस रोग को ठीक करता है? आपका ऑप्शन है ए कैंसर, बी शुगर, सी मलेरिया, डी बवासीर। आपका सही जवाब होगा बी शुगर। अब यह सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी बाल गंगाधर तिलक। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।